सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हो चुकी है 3 दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत। तो काफ़ी प्यारी धूप है, तो आज मैं हो रखा हूँ तैयार। तो आज जा रहे हैं कॉलेज, तो मैं बोला था कॉलेज का ब्लॉग दिखाएंगे, तो आज जा रहे हैं कॉलेज और वहाँ का ब्लॉग आपको दिखाएंगे। तो ये बैठे सानू, स्कूल को तैयार हो रखी है, ये रहा बैग। तो आई एम रेडी और गो टू कॉलेज। तो अभी कॉलेज जाने को तैयार हूँ। तो अभी थोड़ी देर में गाड़ी को मैंने फ़ोन किया गाड़ी वाले को, तो अभी जाते हैं अभी रोड पे और बैठते हैं गाड़ी पे, जाएंगे सीधे। तो दिखाएंगे आपको कॉलेज का ब्लॉग जितना हो पाएगा। तो आज तो मैं शायद वहीं रहूँगा अपने कहीं मामा लोग के यहाँ। तो दिखाएंगे आपको भी, आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल रहने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल पहाड़ी ब्लॉग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी मैं निकल चुका हूँ घर से ऊपर की ओर, पीछे मेरे घर देख सकते हैं आप। तो जाते हैं अभी रोड पे। मौसम जो है कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा मौसम है आज का, तो चले हम खूबसूरत पहाड़ों के रास्ते पे। तो मेरा पिछला वाला ब्लॉग जो है जो वो आ गया है, तो उसको भी जाके देखिए और पूरा देखिए वीडियो, क्योंकि काफ़ी अच्छे से मैं ब्लॉग को बना रहा हूँ, जितना मुझसे हो पा रहा है वैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो फिलहाल देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो मेरे पिछले ब्लॉग जो अभी सुबह को मैंने अपलोड किया था, उस पर कमेंट भी आए थे कि हाँ कि भूकंप आया था। तो ये पूरे उत्तराखंड में ही ऐसा हुआ था, क्योंकि मैंने देहरादून भी फ़ोन करके पूछा, तो हाँ कि वहाँ भी ऐसा हुआ था। तो यहाँ से नीचे मेरे गांव का जो व्यू है काफ़ी कमाल और काफ़ी प्यारा ऐसा लग रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल का व्यू है। सामने भी नीचे है मेरा गाँव गजार। तो अभी मैं आ चुका हूँ रोड पर, तो देख सकते हैं मेरे पीछे रोड, तो गाड़ी आ रही है पीछे, मेरे चाचा की गाड़ी है, हमारे गाँव के चाचा हैं, तो उनकी गाड़ी में जाएंगे और दिखाएंगे आपको ब्लॉग आज। तो घर से मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ, अभी बैठा हूँ गाड़ी पे, आप देख सकते हैं। तो जिस गांव पे गाड़ी खड़ी है, गांव का नाम है दड़वाणी। तो ना अभी चलते हैं सीधे खैरना को, तो उसके बाद दिखाएंगे आपको, क्योंकि अभी रानीखेत जाना है वहाँ से। तो लीजिए सफ़र का मजा। तो देख सकते हैं ये गाड़ियाँ भी आ रही है, इधर भवाली से होके आ रही है, इधर हल्द्वानी से आ रही है उनकी गाड़ियाँ सारी, आप देख सकते हैं। ये है हमने खैरना मार्केट। तो अभी हमारी गाड़ी बस जस्ट ऐसे निकलने वाली है खैरना से, स्टार्ट हो चुकी है। तो है रानीखेत पुल, और जो ये पुराना वाला पुल है, नए वाले पुल का जो कि निर्माण हो चुका है, कुछ ऐसे लग रहा है यहाँ से देखने में।
तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ कॉलेज पे। ये अभी कॉलेज के गेट पे खड़ा हूँ। अभी मुझे जाना है थोड़ा अपने मामा उनके वहाँ, तो पहले मामा को कॉल करता हूँ, वहाँ जाता हूँ, उसके बाद चलता हूँ कॉलेज को। तो देखिए यहाँ नीचे चीड़ का जंगल है और ये रोड यहाँ चिड़ियाघर को जाने वाली, और सामने के जो रोड है ये जाती सीधे रानीखेत को, और मैंने जाना इस बार नीचे वाली रोड को। अभी मामा आ रहे हैं बाइक लेके लेने के लिए मुझे। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ मामा उनके घर पे। अभी मैं छत पे हूँ और यहाँ कुछ ऐसा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मौसम काफ़ी ठंडा है यहाँ का और धूप भी नहीं आ रखी इस साइड को। तो ये है चिड़ियाघर कुछ ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ, और नीचे पता नहीं कुछ है, वहाँ गाने चल रहे हैं। तो यहाँ से सामने का जो व्यू है ना काफ़ी कमाल का, आप सामने आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत पहाड़ की हसीन वादी यहाँ से दिख रही है, आप देख सकते हैं। और नीचे स्कूल है जहाँ ये काफ़ी ज़्यादा शोर सुनाई दे रहे हैं, मुझे तो सुनाई दे रहा है, आपको तो पता नहीं बट लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है वहाँ है स्कूल। और ये देख सकते हैं अब यहाँ काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो अभी फ़िलहाल काफ़ी ठंडा यहाँ हो रहा है। अभी मेरे लिए चाय आ चुकी है, तो चाय बिस्किट खाते हैं, तो दिखाते हैं आपको, क्योंकि इस साइड को धूप नहीं आ रखी है, इस साइड को आ रखी है, और वैसे भी रानीखेत में काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं बैठा हुआ है वहाँ पे, बाहर से काफ़ी ज़्यादा धूप लगी है यहाँ पे, तो अभी थोड़ी देर बाद दिखाते हैं आपको मौसम देखिए। तो फिलहाल अभी खाना पीना हो चुका है, मैं बैठा हूँ अभी, तो मौसम काफ़ी ठंडा है यहाँ का, अभी अंदर ही बैठे हैं फिलहाल। तो अभी जाएंगे धूप में बाहर से, तो अंदर देख सकते हैं कुछ ऐसा है यहाँ, और काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे। तो फिलहाल अभी का जो खाना पीना हो चुका है, अभी मैं बैठा हूँ प्यारी सी धूप में, आप देख सकते हैं अभी काफ़ी प्यारी धूप लगी है यहाँ, धूप लगी है बट ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैं बैठा हूँ अभी धूप पे, और मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ का। मैं बोला था कॉलेज जाऊँगा, अभी कॉलेज जाना कैंसिल हो रखा है फिलहाल, तो कल जाऊँगा मैं यहाँ से जाऊँगा कॉलेज, यहाँ से थोड़ा ही नज़दीक है, तो कल जाया जाएगा सुबह कॉलेज। तो अभी शाम के बज रहे 5, शाम का मौसम कुछ ऐसा, इस साइड को धूप जा चुकी है। अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए, मैं और मेरे साथ है मामा। तो अभी हम घूमने निकल चुके हैं कुछ इस तरह की जगह पे, देख सकते हैं आप चीड़ का जंगल है काफ़ी ख़तरनाक, और यहाँ से जा रहे हैं नीचे को। अभी मुझे तो रास्ता पता नहीं है, मामा ले जा रहे हैं मुझे, देखते हैं अभी कहाँ ले जा रहे हैं, और रास्ता तो कुछ ऐसा लग रहा है काफ़ी ख़तरनाक। और ऊपर स्कूल है, वो आप स्कूल की बाउंड्री देख सकते हैं, ये है स्कूल सामने पे। तो इस प्रकार है स्कूल कुछ, यह है बिरला विद्या मंदिर, हाँ बिल्कुल ले रहा हूँ। और इस साइड से आप सनसेट देख सकते हैं, अभी हुआ तो नहीं है बट काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में, और देख सकते हैं आप काफ़ी कमाल का लग रहा है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं कुछ इस तरह की जगह पे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी प्यारा मेरे पीछे का व्यू है, और सनसेट जो कि काफ़ी कमाल दिख रहा है, अभी बस जस्ट होने वाला है, और किसी जंगल देख सकते हैं। अभी हम काफ़ी ऊपर से काफ़ी नीचे आ गए, और जस्ट नीचे है रोड, तो रोड से हमको आगे को जाना है। देख सकते हैं मेरे पीछे रोड, और ये ऊपर खूबसूरत जंगल, और अभी हम जा रहे हैं आगे को फर्स्ट क्लास इवनिंग वॉक करते हुए, और देख सकते हैं मेरे पीछे रोड आप, और व्यू देखिए काफ़ी कमाल का, और सनसेट हो चुका है इस साइड से कंप्लीट। तो सामने पे है मंदिर, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत, तो प्यारा लग रहा है। अभी तो हमारे पास यहाँ जाने का टाइम है नहीं, तो यहाँ आएंगे हम कल सुबह, आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा मंदिर है। अभी हम पहुँच चुके हैं इस तरह की जगह पर, आप रोड देख सकते हैं, और अभी हमें काफ़ी दूर आ चुका है। अभी हम घूमते घूमते मैं और मेरे मामा चल रहे आगे, कैमरे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा शर्मा रहे हैं, इसलिए बोले कि मुझे ब्लॉग में मत लेना, चलो कोई इनको हम ब्लॉग में नहीं लेंगे। तो देख सकते हैं आप जंगल, और अंधेरा भी हो चुका है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नीचे भी रोड है, और इस साइड को है मंदिर, और देख सकते हैं रोड आप, काफ़ी प्यारा लग रहा है अभी का मौसम। तो आज मैं यहाँ आया था, तो आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ दिखाना हो नहीं पाया, तो जितना कुछ दिखा पा रहा हूँ उतना आपको उतना आप देख लेना, मिलते हैं कल के ब्लॉग में मिलेंगे आप, और कल के ब्लॉग में जाएंगे कॉलेज, और उससे कहीं और जगह भी जाएंगे, तो वहाँ का ब्लॉग बनाएंगे और दिखाएंगे आपको। तो ये सामने बोर्ड लगा, आप इस पर देख सकते हैं रानीखेत यहाँ से 5 किलोमीटर, ताड़ीखेत 11 किलोमीटर, और पिलखोली है 13 किलोमीटर यहाँ से, और अंधेरा काफ़ी कंप्लीट हो चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग पूरा, और सनसेट तो कब के हो चुका है, मौसम कुछ ऐसा हो गया अभी शाम का, तो देख सकते कंप्लीट अंधेरा। और मिलता है घर जाके सीधे, और फिर ब्लॉग के एंडिंग में करते हैं, क्योंकि आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ दिखाना हो नहीं पाया, तो फिलहाल फिर मिलेंगे कल के ब्लॉग में, आपको कल के ब्लॉग में दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ जाते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं घर पे, तो अभी अंधेरा हो चुका है, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड तब तक के लिए गुड बाय।